Good morning class, this is our new pathology class in which today we will study the next topic of neoplasia, that is metastasis. देखिए ये टर्म आपके पूरे इस चैप्टर में बहुत बार बहुत जगहों पर आई और मैंने इसका मतलब भी आपको बताया कि भाई मेटास्टासिस का मतलब होता है कैंसर सेल का दूर दूर जगहों पर जा कर के फैल जाना. तो मेटास्टासिस जो टर्म है वो डिनोट करती है कि सेकेंडरी इम्प्लांट डिसकंटिन्यू हो रहा है. सेकेंडरी इम्प्लांट पहले डेवलप हो रहा है फिर वो डिसकंटिन्यू हो रहा है प्राइमरी ट्यूमर से, मतलब प्राइमरी ट्यूमर से अलग हो करके सेकेंडरी वो किसी दूसरी जगह पर जा करके इम्प्लांट हो करके वहाँ डेवलप होना शुरू हो जाए. मतलब किसी एक जगह का ट्यूमर है वहाँ वो ग्रोथ कर रहा है फिर उसका कुछ पार्ट वहाँ से टूटे टूट कर किसी दूसरी जगह पर जा कर के चिपक जाए बैठ जाए और ग्रो होना स्टार्ट हो जाए तो उसको हम मेटास्टासिस कहते हैं. और ये मेटास्टासिस कैंसर का हॉलमार्क है, पहचान है कैंसर की. अब ये मेटास्टासिस होता कैसे है? लिम्फैटिक रूट से, हिमाटोजिनस रूट से, रेट्रोग्रेड या ट्रांससिलोमिक, या तो किसी सिलोम से होते हुए चला जाएगा या लिम्फ के द्वारा फैलेगा या ब्लड के द्वारा फैलेगा. लिम्फ के द्वारा ये लिम्फैटिक के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है जो सबसे कॉमन पाथवे है. इनिशियल डिसेमिनेशन जो कैंसर का कार्सिनोमा या सार्कोमा का होता है तो मोस्टली इसी रूट से होता है. इनिशियली ये कैंसर जो है वो इसी लिम्फ वाले रूट से ही स्प्रेड कर रहा होता है. रिट्रोग्रेड के अंदर भाई लिम्फेटिक में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, क्योंकि हमने कहा सबसे कॉमन रूट लिम्फ ही है, पर अगर लिम्फ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए ट्यूमर सेल्स की वजह से तो लिम्फ फ्लो जो है वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है और ट्यूमर सेल इस लिम्फ फ्लो के अगेंस्ट में स्प्रेड करना स्टार्ट हो जाती है. इसको रिट्रोग्रेड मेटास्टासिस कहते हैं. अगर लिम्फ फ्लो के अकॉर्डिंग चल रही तब तो लिम्फेटिक स्प्रेड कहलाएगा और लिम्फ फ्लो के अगेंस्ट में जा कर के स्प्रेड कर रही है तो वो कहलाता है रिट्रोग्रेड मेटास्टासिस. रिट्रोग्रेड जैसे कि कैल्शियम, प्रोस्टेट का जो कैल्शियम है जो कि कैंसर के अंदर जनरली देखा जा रहा होता है तो वो कैंसर की सेल्स लिम्फ सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड तक अगर फैल रही है तो वो रिट्रोग्रेड मेटास्टासिस कहलाता है, जो कि अकॉर्डिंग टू लिम्फ नहीं है. और मेटास्टाटिक डिपोजिट्स ब्रोंकोजेनिक कैंसर से जो जाकर के एक्सिलरी लिम्फ नोड तक जा रहे हैं वो भी रिट्रोग्रेड मेटास्टासिस का एग्जाम्पल होते हैं. इसके बाद एक वर्चोस लिम्फ नोड है. क्या होता है भाई, जब नोडल मेटास्टासिस जैसे सब क्लेविकुलर लिम्फ नोड तक जा रही है, नोडल मेटास्टासिस हो रहा है एब्डोमेन के कैंसर का, एब्डोमेन के किसी भी ऑर्गन का कैंसर नोडल मेटास्टासिस के द्वारा सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड तक चला जाता है तो उसको हम वर्चोस लिम्फ नोड कहते हैं. चाहे वो स्टमक का कैंसर हो, कोलन का कैंसर हो या गॉल ब्लैडर का कैंसर हो, कोई भी कैंसर हो, इस तरह से अगर फैल रहा है तो वर्चुअल लिम्फ नोड कहलाएगा क्योंकि नोड के साथ जा रहा है ना. अब लिम्फ नोड इन्वॉल्व जो होती है, अपन ने मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था भाई कि लिम्फ नोड इन्वॉल्व होती है, TNM क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना. तो TNM में N क्या था? लिम्फ नोड ही तो था. नोड लिम्फ नोड के लिए N टर्म हमने यूज़ किया था और M किया था मेटास्टासिस के लिए. तो TNM क्लासिफिकेशन में चीज़ हमने पढ़ी थी. तो लिम्फ नोड जो इन्वॉल्व हो रही है उसका जो पैटर्न है वो लिम्फेटिक ड्रेनेज के नेचुरल रूट से होता है, नेचुरल रूट को फॉलो करता है. जैसे अपर आउटर ब्रेस्ट क्वाड्रेंट का जो कार्सिनोमा है तो वो डिसेमिनेट होकर के पहले एक्सिलरी लिम्फ नोड में जाएगा. इसी तरह से इनर क्वाड्रेंट का कैंसर ड्रेन होता हुआ नोड से नोड तक जाता है, ड्रेन होता हुआ इंटरनल मेमोरी आर्टरी के द्वारा, फिर इंफ्रा क्लेविकुलर और सुप्रा क्लेविकुलर नोड से होता हुआ वो कहाँ जा रहा होता है, नोड में फैल रहा है. इस तरह से इनर का डिसेमिनेशन होता है और आउटर का एक्सिलरी लिम्फ नोड में डिसेमिनेशन होता है ब्रेस्ट के कैंसर की अगर हम बात करें तो. इस तरह से हम कह रहे हैं कि जो रीजनल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होती है वो ट्यूमर को ड्रेन करती है इनवेरिएबली. जिस भी जगह के रीजनल लिम्फ नोडल मेटास्टासिस वो प्रोड्यूस कर रही होती है उस जगह पर वो इनवेरिएबली ड्रेन हो रही होती है. जैसे ब्रेस्ट का कैंसर
एक्सिलरी लिम्फ नोड में जा रहा है, थायराइड का कैंसर लेटरल सर्वाइकल लिम्फ नोड में जा रहा है, ब्रोंकोजेनिक कैंसर जो है वो हाइलर लिम्फ नोड और पैराट्रेकियल लिम्फ नोड के अंदर जा रहा होता है। अब स्किप मेटास्टासिस क्या है भाई? जब लोकल लिम्फ नोड बाईपास होती है तो उसको हम स्किप मेटास्टासिस कहते हैं, अगर लिम्फ नोड बाईपास हो जाए, क्योंकि जैसे वीनस लिम्फेटिक एनास्टमोसिस हो रहा होता है या इन्फ्लामेशन होता है या रेडिएशन होते हैं ऑब्लिटरेटेड लिम्फेटिक के द्वारा इसका स्प्रेडिंग देखने को मिल रही होती है तो स्किप मेटास्टासिस कहलाता है। अब तीसरा था हिमाटोजीनस स्प्रेड। हिमाटोजीनस स्प्रेड के अंदर भाई टिपिकल जो सार्कोमास होते हैं वो इस रूट से स्प्रेड करते हैं, हालांकि कुछ कार्सिनोमा भी करते हैं पर मेनली सार्कोमा का ये रूट होता है। तो आर्टरीज जो कि काफ़ी थिक वॉल की होती है वो पेनिट्रेट उसके द्वारा उसके अंदर भी कर जाती है कैंसर सेल्स, नहीं तो मोस्टली वो वेन्स के अंदर पेनिट्रेट करती हैं और फिर वहाँ पर ब्लड के रास्ते से होती हुई दूर दूर जगहों पर फैल जाती है। आर्टेरियल स्प्रेड हो सकता है जब ट्यूमर सेल पास हो रही होती है पल्मोनरी कैपिलरी बेड से, तब मोस्टली आर्टेरियल स्प्रेड देखा जाता है, अदरवाइज वीनस स्प्रेड ही देखा जाता है कैंसर का। अब देखिए ये हिमाटोजिनस स्प्रेड कैसे होता है ट्यूमर का, ये पूरा पाथवे अपन देखते हैं। तो देखो ये सबसे ऊपर आपको जो है वो कैंसर सेल्स दिखाई गई हैं, प्राइमरी ट्यूमर की ये सेल्स हैं, ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं। ये पहले तो क्या बनाएंगी, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से आपको चिपकी हुई दिखाई दे रही है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर चिपकी हुई यहाँ पर पहले ये क्लोनल एक्सपेंशन करेगी, मतलब इसके क्लोन्स बनेंगे और वो क्लोन्स बढ़ते जाएंगे, क्लोन्स मतलब इन्हीं के जैसे एक सेल के जैसी खूब सारी सेल्स बन जाएंगी, अपना ग्रोथ करेगी, डाइवर्सिफिकेशन और एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस भी कैंसर में होता ही है, खूब सारी ब्लड वेसल्स वहाँ पर डेवलप हो जाती हैं, ब्लड कैपिलरीज वहाँ पर डेवलप हो जाती है ताकि उन ब्लड वो जो कैंसर सेल्स हैं ब्लड उनको न्यूट्रिशन पहुँचा सके, इसलिए एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस वहाँ पर चलता है। तो आपको यहाँ पर ये लाल लाल ब्रांच दिखाई दे रही है ना, ये नदी इसी बहती हुई जो जा रही है, ये एंजियोजेनेसिस का ही प्रोसेस बताया गया है। तो क्लोनल एक्सपेंशन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन, एंजियोजेनेसिस हो रहा है। फिर ये जो क्लोन बन रहे हैं ये मेटास्टैटिक सब क्लोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब ये क्लोन अब दूर दूर जा कर के फैलेंगे। मेटास्टासिस करने के लिए ये पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन पे चिपकते हैं टाइटली और फिर उसके अंदर इन्वेड कर जाते हैं, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है कि चिपक गए और ये ग्रीन कलर की सेल्स इसके अंदर घुस गई, इन्वेड कर गए, इन्वेजन हो गया। फिर ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के रास्ते से होते हुए वेसल के अंदर चले जाते हैं, यानी इंट्रावासेशन हो जाएगा। जब ये वेसल में जाएंगे तो वेसल के टिश्यूज जैसे हॉस्ट लिम्फोइड टिश्यू है उनके साथ में इंटरेक्शन करेंगे, तो ये लिम्फोसाइट दिखा रही है ब्लू कलर की दिख रही है आपको, इसके साथ में कैंसर सेल इंटरैक्ट कर रही है। तो इंट्रा इन्वेजन के बाद में इंटरैक्शन हो रहा है इन क्लोनल सेल्स का लिम्फोइड हॉस्ट लिम्फोइड सेल के साथ में, फिर बाद में फाइनली ये क्या बना लेती है, एम्बोलस बना लेती है। देखो प्लेटलेट वगैरह के साथ में जुड़े और ट्यूमर सेल ने क्या बना लिया, एम्बोलस। अब एम्बोलस क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं कि किसी एक जगह का भी कोई सॉलिड लिक्विड या गैसियस मास अपनी जगह से हट करके दूसरी जगह पर जाता है तो उसको अपन एम्बोला ही कहते हैं। तो ये ट्यूमर सेल का बना हुआ इसलिए ट्यूमर सेल एम्बोलस कहलाएगा। ये ट्यूमर सेल एम्बोलस है, मतलब ब्लड के रास्ते ये फैलता जा रहा है, फैला फैल करके ये जहाँ जाएगा, इसको जो जगह पसंद आ गई कि ये जगह मुझे पसंद है, वहाँ की अभी बेसमेंट मेम्ब्रेन से चिपक जाएगा। पहले तो जहाँ ये ग्रोथ कर रहा था वहाँ की बेसमेंट मेम्ब्रेन से चिपका चिपक करके ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में घुस जाएगा। ये जो वाइट वाइट आपको इस ब्लड की नदी के दोनों तरफ दिखाई दे रही है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से होता हुआ ये ब्लड वेसल में घुसेगा, फिर ब्लड के हॉस्ट लिम्फोइड सेल से ये इंटरैक्ट करेगा, ट्यूमर सेल का एम्बोला ही बनेगा और फिर जिस जगह पर इसको अपना घर बनाना है वहाँ की बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जाकर चिपक जाएगा, फिर वहाँ पे ब्लड वेसल से बाहर भी निकलेगा, यानी एक्स्ट्रा वासेशन भी होगा, मेटास्टैटिक डिपॉजिट वहाँ पे दिखाई देगा, एंजियोजेनेसिस। अब उस जगह पर खूब सारी ब्लड वेसल्स कैपिलरीज बन जाएंगी जैसा डायग्राम में दिख रहा है आपको, और वहाँ पे वो मेटास्टैटिक ट्यूमर जो है ग्रोथ करेगा और अपना घर बना लेगा, होमिंग कर लेगा, इसको कहते हैं घर बना लेना या होमिंग करना। इस तरह से हिमाटोजिनस स्प्रेड मेटास्टासिस का होता है। ये फ्लो चार्ट आपको बनाना है अगर मेटास्टासिस आपके आता है तो, विद डायग्राम आप ये फ्लो चार्ट जरूर बनाएंगे। समझ में आया? अब इसके बाद लीवर और लंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व्ड ऑर्गन्स हैं हिमाटोजिनस डिसेमिनेशन के लिए, क्योंकि जितने पोर्टल एरिया ड्रेनेज
होता है वो फ्लो होकर के लीवर तक जाता है या केवल ब्लड फ्लो जो है वो भी लंग तक जा रहा होता है, ड्रेनेज फ्लो भी और कैवल फ्लो भी लंग तक जाता है। कॉमन साइट ब्लड बॉल मेटास्टासिस की लीवर, लंग, ब्रेन, बोन, किडनी, एड्रिनल्स, ये सारे ऑर्गन्स हैं जो कॉमनली हिमेटोजेनस स्प्रेड के वजह से चपेट में आते हैं कैंसर के। इसके अलावा स्प्लीन, हार्ट, स्केलेटल मसल्स, ये जो ऑर्गन्स हैं वो जनरली मेटास्टासिस के द्वारा चपेट में आते नहीं हैं, कभी कभार आ जाते हैं एक्सेप्शनल केसेस में, अदरवाइज नहीं आते। स्प्लीन तो अनफेवरेबल साइट है भाई, क्योंकि तो साइनोसाइडल ओपन साइनोसाइडल पैटर्न की वजह से ट्यूमर सेल के मेटास्टासिस को ये इन्वॉल्व अलाउड नहीं करती है। इसके अलावा लिम्स, हेड, नेक और पैल्विस ड्रेन ब्लड वाया वेना कैवा, सो कैंसर फ्रॉम दी साइड्स मेटास्टासिस टू लंग्स, इन जगहों पर कहीं पर भी कैंसर हुआ हो तो वो मेटास्टासिस होकर के लंग तक पहुंच जाता है। अब कुछ कैंसर्स होते हैं जिनके अंदर वेन्स में इन्वेजन की प्रोपेंसिटी होती है, जैसे रीनल सेल कार्सिनोमा, हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा वगैरह, ये रीनल वेन के ब्रांचेस के द्वारा इन्वेड होता है, मतलब रीनल वेन की ब्रांचेस के द्वारा इन्वेड होता है, ना कि रीनल वेन खुद के द्वारा। तो ये स्नेक लाइक फैशन के अंदर ग्रो करता है इन्फीरियर वेना कैवा तक। पर खैर छोड़ो, आप तो आपको इससे कोई मतलब नहीं, आप खाली इतना लिखिएगा कि वेन्स में इन्वेजन रीनल सेल कार्सिनोमा का, हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा का होता है, ख़त्म। इसके बाद चौथा ट्रांसिलोमिक स्प्रेड मेटास्टासिस का, ट्रांसिलोमिक स्प्रेड। स्टमक का जो कैंसर होता है वो दोनों ओवरीज के अंदर चला जाता है, इसको अपन क्रुकेनबर्ग ट्यूमर कहते हैं, या ओवरी का जो कैंसर है वो स्प्रेड करता है पूरे पेरिटोनियल कैविटी में बिना किसी स्ट्रक्चर के अंदर घुसे हुए, इन्फिल्ट्रेट मतलब अंदर घुसना, विदाउट इन्फिल्ट्रेटिंग द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, वो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर में नहीं घुसता बल्कि पूरी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फैल जाता है, जो ट्रांसिलोमिक स्प्रेड है। स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनी, ये जिलेटिनस कोटिंग होती है पेरिटोनियम की, जिससे कि म्यूसिन सीक्रेटिंग कैल्शियम जो है ओवरी और अपेंडिक्स का वो स्प्रेड कर रहा होता है, अपेंडिक्स या ओवरी का म्यूसिन सीक्रेटिंग जो कैंसर है वहाँ से स्प्रेड होता है, स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनी इसको कह रहे होते हैं। एक जिलेटिनस कैविटी कोटिंग होती है पेरिटोनियम की, तो ये इस तरह से फैल रहा है ट्रांसिलोमिक में। इसके अलावा ब्रोंकस और ब्रेस्ट का जो कैंसर है वो प्लूरा पेरिकार्डियम तक जाता है, एपिथेल लाइन सरफेस के अलॉन्ग स्प्रेड होता हो, मतलब यहाँ एपिथेल लाइन से सरकता सरकता खिसकता खिसकता ये जो है वो प्लूरा और पेरिकार्डिया पार्ट तक पहुँच जाता है। इसके अलावा फेलोपियन ट्यूब के द्वारा भी एंडोमेट्रियम का कैंसर ओवरी तक जाता है, या ओवरी का कैंसर एंडोमेट्रियम तक जाता है। ब्रोंकस के द्वारा एल्वियोलाई तक कैंसर सेल्स पहुंचती हैं, यूरेटर के द्वारा किडनी से लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट तक कैंसर पहुंचता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के द्वारा भी कैंसर का स्प्रेड होता है, इम्प्लांटेशन के द्वारा, इम्प्लांटेशन में एक जगह की सेल्स गिर के दूसरी जगह पहुंची और वहां पर जाकर के चिपक गई, वहां घर बना लिया, वो इम्प्लांटेशन कहलाता है। बस इसके साथ में आपका ये मेटास्टासिस नाम का टॉपिक यहीं पर कम्प्लीट होता है। सिंपल इजी टॉपिक है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू क्लास।